जो परिणाम जीव को आगामी काल में दुख देते हैं, वो परिणाम होते हुए भी दुखमय है आज भी, और जो परिणाम जीव को आगामी काल में सुख देते हैं वो वर्तमान में दुख रूप भासते हुए भी सुख रूप। यानी हम दो चीजों के बीच में चलते हैं, एक आभासी दुख और एक आभासी सुख। अब ये तो आभास है, जगत में सुख लग रहा, कैसे सुख लग रहा, कुत्ते को हड्डी चबाते हुए हड्डी में सुख लग रहा, हम तुरंत कह देते हैं कहाँ से सुख आ गया भैया उसको हड्डी में, तो बोले रस तो आ रहा। अरे वो रस हड्डी का है ही नहीं, वो रस तेरे मसूड़ों से निकलने वाले खून का ही आई कि नहीं बात। लेकिन मजाल आप होश में कुत्ते से हड्डी छीन कर बता दो, उपदेश दे दो उसको, सिखा दो जैसे, क्यों? क्योंकि उसको उस चीज का ज्ञान नहीं। शराबी को शराब छुड़ा के बता दो, शराब छुड़ा के बता दो, आप देखो नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज का ज्ञान नहीं, ज्ञान भी होते हुए भी हिम्मत नहीं है, स्वीकार नहीं है। मेरे मतलब रिलेटिव में है, गुटखा खाते गुटखा, तो मना करें अपन तो पता कैसे तर्क देते हैं, अरे वो हमारी बॉडी तो एडजस्ट हो गई, ये कम उम्र की लड़की खाते ना इनको समझ सी है क्या कहते हैं, हमारी तो बॉडी हो गई ऐसी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं खाना चाहिए, किनको नहीं खाना चाहिए, इन कम उम्र वालों को नहीं खाना चाहिए है। विचार करके देखो औदारिक शरीर के परमाणु कब बदल जाएंगे इसको क्या पता, कब तक रेजिस्टेंस पावर रहती है कब नहीं रहती क्या पता। लेकिन नहीं, वो अपने राग को नहीं छोड़ना चाहते और आभास लगता। और एक बात मैंने अनुभव की है, ज़्यादा और कोई व्यसन की तो कोई नहीं पता, लेकिन जो भी चीज़ें एक्चुअल में देखा जाए ना बाद में व्यसन का कारण लगती है ना, वो स्वभाव से नीरस जैसी होती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की अपन सिंपल वस्तु करो, पहली बार याद करो जब आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी कैसी एकदम बेकार सी लगती है, एकदम खराब। ऐसे जिन लोगों ने कभी तंबाकू खाया हो वॉमिट कर देते हैं, इवन जिनने किसी शराब पी हो तो भी वो वॉमिट कर देते हैं, अजीब सी लगती है, थू थू करते हैं। मतलब ये क्या बता रहा है कि पहली बार जब वो किया तो आपको उसका एक्चुअल स्वरूप पता चला कि ये ठीक नहीं है, शरीर ने विरोध किया। लेकिन आपने ना अब बड़े हो गए तो चलेगा ही चलेगा, दिखाने के लिए चलेगा, तो धीरे धीरे फिर क्या हो गया, अब उसके साथ में प्रकृति से जो दुख रूप भास रहा था, दुख रूप था, उसको आपने लगातार सेवन करना चालू किया और फिर क्या हो गया, वो जो उसका दुख रूप पना चला गया और सुखा भास पना आ गया, और वो इतना गहरा जम गया कि वो व्यसन का रूप ले लिया। व्यसन का रूप ले लिए मतलब अब उसके बिना चलता नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर हुआ क्या कहना चाह रहा हूं, समय ख्याल में है ना, कैसे ये होता है। तो जो दुख रूप था अपनी भूल के कारण वो सुख रूप भासित होने लगा, व्यसन का रूप ले लिया और फिर आगामी काल में रोग का कारण बनता है। यानी हम कह सकते हैं ना
कि जो आगामी काल में रोग का कारण हो, दुख का कारण हो, वो होश में तो दुख का ही कारण लगेगा, हाँ आप मानो तो फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे कई बार नहीं होता, मैं बहुत देखता हूँ जगत में, बड़े बड़े किसी की लड़ाई झगड़ा देखने में क्या मजा है, कोई मजा है, लेकिन तो लोगों को बड़ा मजा आता है, खिड़की से झांक झांक के देखते हैं। एक तो मेरा मित्र, सच बता रहा हूँ, यही ऑफिस में ही है, इतना एसी के चस्के वाला कि मतलब ऑफिस में आते ही बहुत गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी, 20 टेम्परेचर पे कर दो, रोज उसकी माथा कूट हो गई, गर्मी गर्मी गर्मी। ऐसे बातों बातों में कहने लगा कि हमारा तो पड़ोसी छे, त्या जा रहे हम छोकरा ने इन्हें बापा बच्चे झगड़ो था ना, तो मम्मी थोड़ी बार एसी बंद करो ना, मजा लेंगे। एसी की आवाज ने लई ने सुन नहीं आओ तो मजा नहीं आओ। धन्य छे तारो पुरुषार्थ, हमें लोग बूमो पाड़ी है ये 5 मिनट तो बंद कर, थोड़ू तो जब तो एसी बंद नहीं था है। ना ना मानो परसेवो थी जाए आम छे पण एनी प्रकृति पण गरम छे वास्तव में, एम 2 मिनट बंद करो तो आम पसीनो रेड़ा तो देखातो हो, मारी जेम ना भाई है ख्याल अने एने आज झगड़ा का ऐसा रस कि 10-5 मिनट का पसीना सहन कर लेंगे, ये नहीं चूकना चाहिए। क्या मजा है भाई इसमें, अच्छे कर्म बने, फायदा हुआ नहीं हुआ, खाने पीने को मिला नहीं मिला, पैसा मिला नहीं मिला, लेकिन कोई भी उसमें लॉजिक नहीं बैठता, लेकिन तो भी जीव ने उसमें सुख मान के रखा है तो उसके लिए वो दुख सहन करने को भी तैयार हो जाता है। किसका जोर है साबी, मैं छोटी छोटी भूलें इसके लिए बता रहा हूं कि आपको हमको अपनी बड़ी भूल का पता चले। मुझे ना कुत्ते से रस है, ना उस मित्र से रस है, मुझे बताना है कि जैसे स्पष्ट दुख रूप होती हुई चीजें भी अगर कोई मान ले तो उसमें सुख की कल्पना करने लगता, जैसे वो कुत्ता विषय में सुख की कल्पना कर रहा, वो मित्र कषाय में सुख की कल्पना कर रहा, ऐसे ही हम दोनों में सुख की कल्पना कर रहे हैं। अरे जब दूसरे का झगड़ा सुनना सुख का कारण नहीं है तो ऐसा कौन सा न्याय है जो ये कह दे कि खुद झगड़ा करना सुख का कारण होगा, है विचार करो समझो, दूसरों के भोग सुख के कारण नहीं तो कौन सा न्याय कहते हैं कि जो सुख तुम्हारे लिए सुख का कारण हो जाएगा। जगत कितना मूढ़ है, कितना अज्ञानी है, कभी कभी ये देखते ना कि ये सब मोबाइल में सब उल्टी पुल्टी चीजें आती रहती हैं, तो विचार करता हूँ कि देखो तो व्यक्ति अपने भोग से तो तृप्त नहीं होता, बराबर समझ में आया, और उसके बाद में अनंत अनंत जीव जो पशुओं वत चेष्टा कर रहे उनको देख देख कर तृप्त तो होना चाहता है, कैसे ठीक हूँ मैं, विचार करके देख, उन्हें तो कदाचित धन मिलता होगा नहीं मिलता होगा, सुख मिलता होगा नहीं मिलता होगा, उनकी वो जाने, लेकिन हमको इसमें क्या आनंद हो गया, सिवाय मोह के इन भावों को हटाकर देखो तो पता चलेगा कि ये तो एकदम निरर्थक और अनर्थक है, कल्पना कर रहा है ऐसा बस, ऐसे ही कल्पना कर रहा किसी उसने माने, ना भोग के भाव में सुख है ना कषायों में सुख है, मान बड़कपन बहुत मोटाई ले ली सब, बहुत मोटाई जहाँ घूम रहे वहाँ 2-4 आदमी को ले लेके घूम रहे है, बताता हुआ फिर रहा है, मतलब चेन पहन ले तो 2 बटन खोल ले, गाड़ी निकले तो जब तक उसकी पोज ना पाड़े तब तक उसे मजा नहीं, हर जगह बड़कपन ले लेके घूम रहा,
कपड़े का ब्रांड बता रहा, जूते का ब्रांड बता रहा, साड़ी की कीमत बता रहा, जिसकी कीमत बता रहा उसकी कीमत बता रहा, बताता फिर रहा है। काहे के लिए? मान बढ़ाने के लिए। जितने उस कभी भी अकड़ में सहजता होती नहीं है, अकड़ना हो ना उसमें कहाँ का दूसरे लोग मुझे बड़ा माने, इसमें मेरे अंदर में क्या बढ़ जाता है? बड़े बेसिक से प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, गहरी तत्व ज्ञान की बातें नहीं कर रहा आपको, मैं जो फंडामेंटल क्लियर करना चाहता हूं। और एक बार फंडामेंटल क्लियर हो गए तो बाकी सब अपने आप क्लियर हो जाए। हे जीव, जरा विचार तो कर कि दूसरे ने तुझे बड़ा माना तो इससे तेरे अंदर क्या बढ़ गया, और इसका उल्टा भी, किसी ने ये कह दिया तुम कोई काम के नहीं तो तेरे अंदर क्या घट गया? कौआ कान ले गया, अगर कोई ऐसा बोलता है तो कौए को देखते हो कि कान देखते हो? बोल सब कौआ तेरा कान ले गया, अरे कान ले गया, रो भागो पकड़ो जाओ कान कान, उसको कौए को पकड़ने जाओगे कि फालतू बातें करते हो भैया? यहाँ तो है, हम छोटे थे ना, देख बार बार एक खेल खेलते थे, शायद आपने भी खेला, कोई बच्चा हो ना, देख तेरी नाक लगी, नाक समझते ना, दो अर्थ होते नाक के तो तुरंत फोन है, कहाँ लगी? अरे ये नाक नहीं है क्या? ऐसे निर्णय करो, किसी ने मान बढ़ा दिया तो उसकी उससे क्यों अप्रूव कराने जाते हो? तुम खुद देख लो कि क्या बढ़ गया भैया। किसी ने बोल दिया कि साहब आप तो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ना, दुनिया की अजायबी हो ना, बहुत बुद्धिमान, आपके जैसा कोई आदमी तो फूल के कुप्पा हुआ जा रहा है, तुझे पता होना चाहिए कि तुझे क्या नहीं आता। कोई कह रहा तुम तो बड़े सुखी आदमी हो, ऐसा हो वैसा हो, तुम क्यों मूर्ख हो रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे दुख किसका है। बराबर कह रहा मैं, पहले के समय में जब कार्ड्स वार्ड्स का चलन नहीं था ना, ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तो अपने जैन महाजन व्यापार करते थे, करोड़ों रुपए लेकर जाते थे, और कैसे धोती पहन के एकदम अपन जान बूझ के ऐसे कपड़े पहन के जाते थे, ऐसे करते थे ना जैसे पता ना चले, ये महाजनों की रीत थी, और वो उस समय के हिसाब से सही भी था, कैसे इतना जोखिम लेके जाए और किसी को पता चल जाए तो वो लूट पाट का डर होता था। अब वो महाजन करोड़ रुपए लेकर जा रहा है, लाखों रुपए लेकर जा रहा है, सामने ए हट जा, ऐसे कह के दीन होकर उसको बोल रहा है, तो अंदर से दुखी नहीं होता था? बताइए कुछ समस्या हो, फॉर्म में आ गया, तुझे पता है मेरे पास लाखों रुपए, अरे हमारे पदूड़ा होकर सब कह नहीं देता था, हाँ ठीक है हट जा, क्योंकि उसे किसका जोर है, ये भले ही मुझे कुछ नहीं गिन रहा लेकिन मेरे पास है ना। महाजन इसीलिए महाजन कहलाते थे, हाँ, कि वो महान रहते थे धन के कारण नहीं, वो अपने जीवन को अपने नियम और आदम की शर्तों के अनुसार जीते थे। धन बढ़ गया तो नियम बदल दे ऐसा नहीं, धन बढ़ा है ठीक है, बढ़ गया तो बढ़ गया, लेकिन अगर मेरा एक गाड़ी में काम चलता तो मैं दो नहीं लूंगा, मेरे चार जोड़ी कपड़े में काम चलता है तो मैं छह नहीं लूंगा, ये महाजनपना था उनका। आजकल धन बढ़े तो वो तो बात की बात है, खर्चा पहले बढ़ा दे, मतलब आने का एक जरिया हो फिर आने जाने के दस कर दे। आजकल महाजन नहीं बचे, सब लोन जन बच गए, लोन जन समझ गए ना, लोन लेने वाले जन, कि भोगों के लिए जो कर्जा ले शर्म ना। समझ में आया कि नहीं क्या कह रहा हूं, मेरी लाइन को जरा समझना, ये सब ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के जमाने में बात बड़े नहीं समझ पाते हो, भोगों के लिए कर्जा लेना, अरे भोग तो रोग के समान है, और कर्जा करके रोग लेना, ये महाजनों को कैसे उतरे बात? लेकिन क्या कहें, ये
ये चीज को थोड़ा समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बड़ी गहराई से समझना कि जब कभी भी मान बढ़े, लोग बढ़े, कोई दूसरा आपके बारे में कहे, आप क्यों उससे विचलित होते हो? किसी ने बोला तुम महान तो तुम महान नहीं हो गए, किसी ने बोला तुम कुछ नहीं तो तुम नथिंग नहीं हो गए, तुम्हारे पास तुम्हारे को नापने का कोई पैरामीटर नहीं है क्या? अगर है तो उसे अप्लाई करो, वो लॉजिकल है, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे अंदर में कितना क्रोध है, होना चाहिए, अगर नहीं है तो होना चाहिए। मैं दो बातें जानता हूँ, निरोगी रहो बहुत बढ़िया बात है, अगर रोगी हो तो रोग का ज्ञान हो ये भी बढ़िया बात है, अंदर में रोग पड़े और बेभान हो ये सबसे बुरी बात है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? क्या बोला? निरोगी हो बेस्ट, रोग हो तो रोग का ज्ञान हो वो भी ठीक है, लेकिन पड़े बहुत सारे रोग हैं, अंदर में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है तो कह रहे नहीं गैस ही है, गैस ही है, गैस ही है, तो आएगा अटैक होगा, खलास। ऐसा होता ना कई बार यंग एज में बहुत सारे लोगों को सुनते हैं ना, ऐसे आते हैं, उन्हें लग रहा था गैस के कारण दुख रहा होगा, इसके कारण दुख रहा होगा, उसके कारण दुख रहा होगा, फिर समय नहीं मिलता ना, अष्टकर्म विध्वंस ना देहम निर्पाप्ति स्वाहा। आई कि नहीं बात? तो रोग नहीं होना अच्छी बात है, रोग होवे तो उनका ज्ञान होना भी अच्छी बात है, बराबर, वो सबसे अच्छी बात है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन रोग पड़े पड़े हों और अंदर में बेभान पड़ा हो वो बुरी बात है। ऐसे ही सिद्धों के जैसे हो सर्वोत्तम, साधक के जैसे हो उत्तम, लेकिन भोगी के जैसे हो कि रोग भले पड़े हुए हों लेकिन भान कुछ ना हो तो अधम अधम अधम। समझ में आया? और जो अगर हम हैं तो हमें ऐसा पता होना चाहिए कि भाई देखो मैं किसी दूसरे से नहीं जाता अपना मूल्यांकन कराने के लिए, मुझे पता है कि मेरे अंदर में अज्ञानता कितनी है, मुझे पता है मेरे अंदर में क्रोध आदि भाव कैसे हैं, मान विकार माया लोभ आदि भाव कैसे हैं, कितने दूसरे की प्रगति मुझे दुखदायक लगती है, कितने दूसरे का आवकार सत्कार मुझे दुख अच्छा नहीं लगता, बराबर, अपनी प्रगति के पीछे मैं कितना पागल हूँ, भोगों की लिप्सा के पीछे कैसा गांठपन है, ये सब मुझे पता होना चाहिए। और अकेला पता नहीं होना चाहिए, इनमें जो आभासी सुख है वो आभासी सुख भी सुख नहीं दुख है, ये क्लियर कट ख्याल में आना चाहिए। क्यों? आभास का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन हम एक ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन करते हैं। ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन क्या सिद्धांत ये कि जैसे नीम से नीम होता है, आम से आम होता है, एक लॉजिक लगाया अपन ने, क्या बोला, इस बहुत सिंपल सी बात है कि जितने भी पेड़ आप देख रहे हो इसमें अगर आम के फल लगे हैं तो आप जड़ खोद के देखोगे क्या कि नहीं इसमें बीज आम का था? कोई जड़ खोदने की जरूरत है क्या? खोदोगे तो पेड़ खराब हो जाएंगे। गुलाब के फूल लग रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि मूल क्या था, गुलाब था, गेंदा नहीं हो सकता। कैरी लग रही है तो मूल कैरी था, नीम नहीं हो सकता। और घास फूस लग रही तो मूल घास ही था, वो नहीं हो सकता और कुछ, क्योंकि जैसा बीज होता है वैसा फल। ये दृष्टांत रहा। अब सिद्धांत समझो, जिन चीजों से आगामी काल में दुख हो रहा हो वो आज भी कैसी हैं? न्याय समझ में आया? बिल्कुल क्लियर कट कर लो ये बात, बिल्कुल बैठा लो अपने दिमाग में कि जिन चीजों से आगामी काल में दुख, क्योंकि देखो आभास का कोई रूप नहीं होता, आभास कुछ भी हो सकता है, मने ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, जैसे कई बार अपन डॉक्टर के पास जाते ना, ताव आया ताव आया ताव आया, डॉक्टर कहते कितना मापा तो नहीं, अथवा कहते कि है तो लेकिन थर्मामीटर में नहीं आ रहा, तो डॉक्टर कहते भैया ऐसा ताव नहीं होता जो थर्मामीटर में ना,
लेकिन वो कई बार ऐसा हो जाता है, हम लोग मन में ही सोच लेते हैं। अब 45 डिग्री टेम्परेचर है, अब यहाँ छू के देखा, और कई बार तो क्या नहा कर आते ठंडे पानी से हाथ लगाया हो और फिर हाँ देखो माथा कितना गर्म हो रहा है, तो भाई वो गर्म ठंड है, माता पैरों के साथ ऐसा बहुत होता है। मैं तो 3 पीढ़ी से देख रहा हूँ मेरे घर। ठंडे पानी से हाथ धो के जाते हैं, फिर देखो गर्म बुखार जैसा लग रहा है, नहीं है भैया नाप लो, नहीं नहीं तुम तो भले ही नहीं है लेकिन है तो हाँ होगा, अब क्या बोल रहे तुम्हें लग रहा है तो है, नहीं लगे तो नहीं है, क्योंकि आभास का कोई रूप तो नहीं होता ना, ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन हो सकता है। तुम कह रहे हो ताव है, थर्मामीटर से नाप लो आ जाए तो है, नहीं ये गलत हो सकता है, तो ठीक है तुम्हारा आभास है। आभास का कोई रूप नहीं, पॉइंट समझ में आया, सिद्धांत बोलो आभास का कोई रूप नहीं। ऐसे ही आपको संसार में जो आभासित हो रहा है, सुख बना दुख बना, और उसमें भी आभास में कितने आभास चल रहे, कभी टीवी देखने में सुख पना लगता, कभी खाने पीने में सुख पना लगता, कभी हाफूस के एरी में सुख पना लगता, कभी एसी में सुख पना लगता, कभी 4 लोग बड़ाई करें इसमें सुख पना लगता, रिवर्स की अकेलेपन में दुख पना लगता, खाने को ठीक ठाक ना मिले तो दुख पना लगता, जेब में पैसे कम पड़ जाए तो दुख पना लगता, दूसरे के वैभव को देख के दुख पना लगता। अब ये सब आभास है, क्यों आभास है, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्टिव मूल्य नहीं, तुम जितना फील कर रहे हो उतना है बस, सिंपल सी इसकी गणित इतनी है। कोई भी चीज की कितनी, ये जितने भी व्यवहारिक जो आप वर्तमान में फील कर रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ आपके फील करने के ऊपर है और कुछ नहीं। कुछ दिनों पहले कोरोना के टाइम की घटना, उसके भी पहले की घटना है, मेरे ऑफिस में बहुत पहले काम करता था, उसने छोड़ दिया और लगभग 5-6 साल का लगा होगा, और अचानक कोई बीमारी हुई, एक्सपायर हो गया सब लोग और उसकी 1 साल की बेटी थी, रेस्टरूम में गए सब शांति से बैठे, वो बेटी आराम से खेल रही है, 1 साल की बच्ची को क्या पता चला। अब सब लोग उसे देख देख कर दुखी हो रहे हैं और वो आराम से खेल रही है, कारण अब हम लोग ही कल्पना कर रहे हैं कि उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा, 1 साल की बच्ची है, क्या देखा नहीं जगत में, कुछ समझे नहीं, उसके ऊपर से पिता की छाया चली गई, क्या होगा, कि अपने को देख देख कर दुख हो गए। अब वो उस अनुभूति के साथ तादाद में नहीं कर पा रहे, मतलब मैंने देखा और नोटिस किया जितने लोग उस फोटो को देखकर नहीं रो रहे थे उससे ज्यादा इस बच्ची को खेलते हुए देखकर रो रहे थे, मैंने नोटिस किया, और गलत नहीं थी वो फीलिंग, नेचुरल थी, कोई दिखावा नहीं था, सबको ये लग रहा इसका क्या होगा, और जिसके साथ हो रहा है उसे कुछ पता ही, बात समझ में आ रही है। जगत का स्वरूप कुछ ऐसे ही, दुख उतना ही होता है जितना आप फील करो, बाकी अगर आप थोड़े से रफ टफ हो जाओ ना तो आपको लगे कुछ है ही नहीं इनमें, किसी के अपमान में मेरा क्या भला और किसी के मान से मेरा क्या भला, ठीक है मान मिला कोई बात नहीं, अपमान मिला कोई बात नहीं, लाभ से क्या लाभ हुआ और अलाभ में क्या नुकसान हुआ, मैं बहुत दिमाग लगाता हूं तो भी मुझे समझ में नहीं आ पाता, LIC के IPO माइनस में खुल गया प्लस में खुल गया, 2-5 हजार और बढ़ जाते या 2-5 हजार और घट जाते तो क्या फर्क पड़ जाता, एक सब्जी ज्यादा बना लेते क्या, एक कपड़े नए ले आते क्या, वो जीवन रहता सब, बाकी तो सब दिमाग का खेल है, कभी अरे यार बहुत नुकसान हो गया यार बहुत नुकसान है, समझ में आया। क्या बोले, ये सब आप लोग ज्यादा जानते हो कि मेरे बोलने से क्या होता है, पॉइंट समझ में ना, जितना फील करो उतना क्रोध का दुख, मान का जो भी आपका दुख या सुख, जो बिगर दुख भी ये सुख भी यथार्थ नहीं है और दुख भी
अर्थार्थ नहीं। क्लियर कट बोल रहा हूं, मतलब कसायों के द्वारा आपको जो फील गुड होता है वो भी आभासी है, और कषाय आदि के द्वारा जो आपको दुख होता है वो भी आभासी। मूल दुख मोह का है। समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इसका ऑब्जेक्ट अगर आपको दुख और सुख का सीधा सीधा गणित लगाना है तो आभास से मत लगाओ। मन की मान्यता से सत्य नहीं माने जाते, सत्य ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता, वस्तुनिष्ठ होता है। तो उसके लिए एक पैरामीटर हमने समझा कि जिससे आगामी काल में दुख हो, जैसे एक पैरामीटर, तुम्हें लग रहा है तेज बुखार है तो उससे तेज हो गया, ऐसा नहीं। तुम्हें लग रहा है बुखार नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है, मतलब बीमार लोग जो बहुत धंधे पानी के होश वाले लोग रहते हैं ना, घर वाले पकड़ दे, बेडिग्री ताव छे, क्या जाओ छो, अरे कहीं ना थी, कहीं ना थी, कसू नहीं, कसू नहीं, એને પકડી પકડીને આરામ કરાવવો પડે, બે તને છે આ થર્મામીટર છે, ના 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 ના, એટલે એસા હો રહા હૈ, નહીં હોને પર ભી લગે ઓર હોને પર ભી, તો યે કોઈ મન કી બાત તો ચલેગી નહીં, થર્મામીટર કી બાત ચલેગી, ઓર ચલની ભી ચાહીએ, સહી બાત। એસે હી મન મેં હમે કહીં સુખ લગ રહા, કહીં દુખ લગ રહા, કહીં સુખ લગ રહા, કહીં દુખ લગ રહા, નહીં ચલેગા। लगने से सत्य नहीं लगेगा, सिंपल वस्तु समझ। क्या बोला? लगने से सत्य निर्णय नहीं होगा, क्योंकि लागू ये तो गमे तेम लागी सके, कई ठिकाणों छेज नहीं, बराबर। एज वस्तु एक समय सुखरूप लागे ना, एज वस्तु ये बीजी समय दुखरूप लागे, कई ठिकाणों नहीं। जयरे तुम कैरियर शुरू करो छो त्यारे 15-20,000-25,000 घणु लागे, અને જેમ જેમ તમારી ઈચ્છાઓ વધતી જાય તો 15-20 લાખ પણ ઓછું લાગે। આ તો લાગવાની વાત છે, એનું કોઈ સ્વરૂપ તો ઓબ્જેક્ટિવ સ્વરૂપ ક્યાં? બહુ સિમ્પલ, ક્યાં? એક યાદ બોલા, જો અભી આપ સિદ્ધાંત સમજ લેના, જો આગામી કાલ મેં દુઃખ કા કારણ હો वो आज सुख का कारण लगते हुए भी दुख रूप है। क्या बोला? जो आगामी काल में कैसा हो, दुख का कारण हो, वो आज कैसे लगते हुए, सुख रूप लगते हुए भी कैसा है, दुख ही है। ये लाइन बोलो, चलो બોલો, ક્યા બોલો સંજય ભાઈ? જે આગામી કાળમાં દુઃખનું કારણ હોય એ આજે સુખરૂપ લાગતો હોય તો પણ, એનો રિવર્સ બોલો, જે આગામી કાળમાં સુખનું કારણ હોય એ આજ દુઃખરૂપ લાગતું હોય તો પણ સુખરૂપ જ છે। પાકું થઈ ગયું? પાકું બરાબર, ઠીક છે, કંઈ ગડબડ નથી, અને એપ્લાય કરવામાં કંઈ ગડબડ નથી, અહીંયા જ ગડબડ છે। સુખરૂપ જે લાગે છે દુઃખના કારણ હોવા છતાં પણ આપણે એને દુઃખરૂપ માનવા માટે તૈયાર નથી, અને દુઃખરૂપ જે લાગે છે સુખનું કારણ હોવા છતાં પણ એને આપણે સુખરૂપ માનવા માટે તૈયાર નથી। આ ખ્યાલમાં આવ્યું નહીં? ફરીથી, સુખરૂપ જે લાગે છે દુઃખનું કારણ હોવા છતાં પણ આપણે એને દુઃખરૂપ માનવા માટે તૈયાર હોતા નથી, બરાબર? આ અને દુઃખરૂપ જે લાગે છે સુખનું કારણ હોવા છતાં પણ આપણે એને સુખરૂપ માનવા માટે તૈયાર હોતા નથી। શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ એક્ઝામ્પલ જોવા જઈએ તો એ કહેવાય જ્ઞાન, સંયમ, વૈરાગ્ય, નિર્લોભતા, એ બધી વસ્તુ કેવી છે? કદાચ તમને આજે દુઃખરૂપ લાગતી હશે, કદાચ,
અને તીવ્ર મોહ અને મિથ્યાત્મા દુઃખરૂપ લાગશે જ. અને આ પણ હું સાથે કહું છું, તીવ્ર મોહની દશા હોય ત્યારે આમ, જેમ કે તમે લોકો અહીંયા આવતા હશો ને તો શું રોજ રોજ ભણવા જાઓ, તમને સ્કૂલમાં ભણવાનું પૂરું નથી થયું, હજી ભણવા જાઓ, હજી ભણો, કેટલું ભણવાનું? આવું અમે પણ ધર્મ કરીએ, પણ આવું કોઈ દોડી દોડી રોજ ભણવા જવું આવું થોડી ધર્મ હોય? એવું લોકો કે છે, આવું શું રોજ રોજ અમે ધર્મ કરીએ? અમે પર્યુષણમાં વ્યાખ્યા ના મળીએ છીએ. કઈ વાર તો મુજસે ભી લોકો એસે રોજ રોજ કોણ સી પ્રવચન સુનાતે હો, તમે આગે સુન લો ભૈયા, અબ જો એક ઘંટે સુનાતા હો તમે સુના તો સકતા નહીં. મતલબ લોકો કા દિમાગ બંધ હૈ, લિટરલી બંધ. ઉનકો ઉસકે આગે કા રસ્તા દિખતે હી નહીં. ક્યા એસા ક્યા હોતા હૈ ધર્મ મેં જો રોજ સુના જાય? એસા ક્યા હોતા હૈ જો ઇતના વિચાર કિયા જાય? અરે ધર્મ વિચાર કી ચીજ થોડી હોતી હૈ, કરી લેવાનું. પાપાએ કીધું દર્શન કરી લો, બસ સ્વાહા. પાપાએ કીધું કે વર્ષે 2-5 હજારનો દાન આપી દેવાનું, બસ કર દે. બાકી પૂરે ટાઈમ થોડી ધર્મ ધર્મ કા બોજ લે બોજ લેકર એસા. ખાને મેં ધર્મ કા વિચાર કરો, ધંધે પાણી મેં ધર્મ કા વિચાર કરો, મિલને જુલને મેં ધર્મ કા વિચાર કરો. જીવન નહીં ક્યાં ધર્મ હી ધર્મ કરવું છે? મતિ મારી ગઈ ક્યાં કહે, કોઈ આશ્ચર્ય નહીં હૈ. હમ ભી એસે કરુણા ભાવ, કરુણા ભાવ કેસા કે જિસકો તત્વ કી બુદ્ધિ નહીં હૈ ઉનકો સુખરૂપ સુખરૂપ જો લગતે હૈ ઉનકે હી જોર રહેતા હૈ. સુખ ક્યા હૈ ઉસકા જોર નહીં. પોઈન્ટ સમજ મેં આયા? જિનકો ધર્મ કી બુદ્ધિ નહીં હૈ એસે જીવો કો ક્યા હોતા હૈ, સુખરૂપ લગતે ઉસકે હી જોર હૈ. સુખ ક્યા હૈ ઇસકે લીએ તુમને કભી મહેનત કી નહીં હૈ. જે લાગે છે માની લેવાનું, હવે આજે આ લાગે તો આ કરી લેવાનું, કાલે કાલ લાગશે તો કાલે બીજું કરી લેવાનું. નાના હતા ત્યારે રમકડા સુખરૂપ લાગ્યા, મોટા થયા ત્યારે ભોગ સુખરૂપ લાગ્યા, પછી ધન કમાવવું સુખરૂપ લાગ્યું, પછી પરિવાર, બસ જે લાગે એ કરતા જાઓ. બરાબર, હું કભી વિચાર નહીં કરતો ઉનકે લીએ ક્યા કહે, ઉનકે લીએ કુછ નહીં કહે. લેકિન હમ લોગ જો હૈ મુમુક્ષુ જીવ થોડી અલગ વિચાર શ્રેણી વાલે ઓર હોના ભી ચાહીએ. જિનકો સંસાર બઢાના હૈ એસે હી વિચાર અગર સંસાર ઘટાને વાલો કે હો તો ઘટેગા કે બઢેગા? સિમ્પલ વસ્તુ, ઇસમે કોઈ અલગ બાત તો હૈ નહીં. આપ અબ હમે ખુદ સોચના હૈ કે હમ તુલના કિસકે સાથ કર રહે. હમ આદર્શ રખતે સંસાર બઢાને વાલો કા ઓર પરિણામ રખના ચાહેતે સંસાર ઘટ જાય, એસા તો હોગા નહીં. તો હમારી વિચાર શ્રેણી અલગ હોતી હી હૈ ઓર હોની હી ચાહીએ, ક્યોંકિ સંસાર બઢાને વાલે, આગ લગાને વાલે ઓર આગ બુઝાને વાલે દોનો કે ઉપાય એક સે કેસે હો સકતે? જિસે લગાના હૈ વો પેટ્રોલ છાંટેગા, જિસે બુઝાના હૈ વો પાણી છાંટેગા. સિમ્પલ ગણિત. આપ બોલે નહીં હમ પેટ્રોલ છાંટે ઓર પાણી છાંટે જૈસા ઇફેક્ટ હો જાય, મૂર્ખ. પોઈન્ટ સમજ મેં આયા કે નહીં આયા? તો ઇસે આપ અલગ દિખોગે જગત મેં. અબ આપ એસે તો હમ અલગ હો જાયેંગે ના ફિર સાચ. અરે એસે હી હોતા હૈ, ચિંતા મત કરો, તુમ એસે હી હોતા હૈ, ઉસમે કોઈ બડી બાત નહીં હૈ. અબ તુમે કિસ કેટેગરી મેં જાના હૈ નિર્ણય ખુદ કર લો, આગ બઢાને વાલી મેં કે આગ ઘટાને વાલી. પેટ્રોલ લેકર ઘૂમને વાલી કે પાર્ટી મેં શામિલ હોના હૈ કે પાણી લેકર ઘૂમને વાલી પાર્ટી મેં શામિલ હોના હૈ? દોનો એક સે નહીં હો સકતે, ઇતના નિર્ણય કરો. આઈ કે નહીં બસ તો બસ યે જગત કે જીવ, જગત કે જીવ જો દુઃખરૂપ પ્રતીત હો રહે હૈ એસે સુખ કે કારણો કો, દુઃખરૂપ પ્રતીત હો રહે એસે સુખ કે કારણો કો જીવન મેં સ્થાન નહીં દેતે. ઓર જો પાત્ર જીવ હોતે હૈ વો એસે કારણો કો જીવન મેં સ્થાન દેતે હૈ. ઓર એસે કારણો કો સ્થાન ઇસીલિયે નહીં દેતે કે દુઃખરૂપ લગ રહે હૈ, વો એસે કારણો કો સાધનો કો અપને જીવન મેં સ્થાન ઇસીલિયે દેતે હૈ ક્યોંકિ વો
सुख का कारण, सुख का कारण। और जो सुख का कारण हो वो सुखमय, और जो दुख का कारण हो वो दुखमय। सीधी गणित है। जो यहां दुख का कारण, जो आगामी काल में दुख का कारण है, वो आज भी दुख का कारण ही है। आगामी काल से जिससे दुख हो रहा है वो आज भी दुख रूप है, और आगामी काल में जिससे सुख होगा वो आज भी सुख रूप। ये लगने से निर्णय नहीं हुआ, ये कारण कार्य की विज्ञान से निर्णय हुआ। पॉइंट समझना, ये आभास नहीं, ये विज्ञान। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? आभास में गड़बड़ झोला है, आभास में गड़बड़ झोला है। कुछ भी लग सकता है, सुख के कारण दुख के कारण रूप लग सकते हैं। दुख के कारण लगने में कोई ठिकाना नहीं, बिल्कुल नहीं, और भरोसा मत रखना भी मत। इसीलिए हमें ऑब्जेक्टिव विज्ञान समझना है, आभास नहीं। और विज्ञान का जैसा कार्य वैसा कारण। आम से आम, नीम से नीम, गुलाब से गुलाब, और घास फूस से घास। तो जिन कारणों से, अब थोड़ा और विचार लेते हैं। सुख के कारण तो सुख, दुख क्षय, कर्म क्षय, मोह का अभाव, बराबर समाधि गमन, समाधि मरण, ये सुख है, बराबर। तो इसके कारण कैसे होंगे? ऐसे कारण जिनसे दुख का क्षय हो, ऐसे कारण जिनसे मोह का क्षय हो, विकारों का क्षय हो, आत्मबल जगे, ये सुख के कारण। यानी ज्ञान, वैराग्य, निर्लोभता, समता, सहजता, सरलता, अपरिग्रहीपना, अहिंसकपना, अनाडंबरपना, ये सब चीजें सुख के कारण है। पॉइंट समझ में आ रहा नहीं? यार लॉजिक से विचारना। जिन कार्यों से आगे सुख मिले वो ही आज सुख रूप है। आपको अब सोच के देखो, ये निर्णय कितना पक्का होना चाहिए। दुकान में बैठकर आपने करोड़ों रुपए कमाए, और आज आधे घंटे प्रवचन सुन के आपने कुछ बात को कमाया, जाना मतलब वो भी कमाई है ना। अब आपको सुख रूप कौन सी लग रही है, आप समझ रहे हैं? करोड़ रुपए आए तो तुरंत सुख बना, वो पूरी जिंदगी कमाई एक साथ हो गई। ठीक है, प्रवचन तो चलते ही रहता। अब लॉजिक लगाओ, वो करोड़ रुपए आपको मोक्ष लेकर जाएंगे, नरक लेकर जाएंगे? नरक में क्या है? त्रेंच गति में लेके जाएंगे, उसका अपनत्व, उसका ममत्व, उसका एकत्व। ऊर्ध्वगमन करेगा कि अधोगमन? पाप बंधन करेगा कि पाप का क्षरण? तो भी वो सुख रूप लग रहा। मतलब अभी आपने जो परिभाषा बोली फेल हो गई। श्रीमद को याद करो, कई जगह बहुत अच्छी बात होगी। जब जैसे अपन कहते ना कि जब व्यापार करते थे, तो व्यापार करते किसी ने पूछा कि साहेब इतने सारे हीरे जवाहरात का वो होता है, आपको थोड़ू कहीं था तो नहीं। हमें आ पत्थरों ने कालकूट जहर नी भांति जोइए छी, रत्नों ने कोने जे पू रत्न रूपे जोए छे। भाई हूं तो कोनी जेम जोऊ छु एने? काले दुख रूप लाग्या छे एमने कि आजे दुख रूप लाग्या? क्या बोला था उन्होंने? बड़े गहरे उत्तर। तुम्हें ऐसा लगता हो कि थोड़ा तो होगा ना, है कोयले की क्या कहते हैं खदान में थोड़ा तो कालिख लगा होगा ना? बोले नहीं, हम तो इन रत्नों को तुम पागलों की भांति मानते हो। हम तो आज भी ने क्या कह रहे हैं, कालकूट जहर के समान देखा। कल दुख के कारण है जिन्हें लगेगा वो आज नहीं छोड़ पाएगा, आज दुख के कारण जिन्हें लगा वो छोड़ देगा।
आज ही नहीं लगा तो आगे क्या करेगा। और मैं बहुत सीधी और व्यवहारिक बात कहता हूं, जिसे आत्मा में सुख भासते नहीं हुआ उसकी मोक्ष की बातें बेईमानी है। वो गले नाक का मोक्षु घूमता रहे कह के, कोई गुरेज नहीं मुझे। अरे आप खुद अपने अंदर से विचार करो कि मोक्ष सुख की जब हम बात करते हैं तो शरीर वाले इंद्रिय वाले सुख की बात करते कि शरीर रहित अतिंद्रिय सुख की बात करते हैं। हमारे जैन धर्म में मोक्ष कैसा है, चलो ठाकुर जी वाला मोक्ष छोड़ दो, ठाकुर जी वाला मोक्ष समझ गए ना, वहां पे शरीर साला मोक्ष मिलेगा, मतलब ठाकुर जी को खुद पेड़े खाओ ठाकुर जी को खिलाओ, खुद लड्डू खाओ ठाकुर जी को खिलाओ, बराबर ठाकुर जी के साथ में लक्ष्मी जी की सेवा करो, लक्ष्मी जी ठाकुर जी की सेवा करें, मतलब सब सेम टू सेम व्यवस्था, जैसी यहाँ वैसी वहाँ। अंतर कितना है, यहाँ मिलावटी द्रव्य मिलते हैं, वहाँ प्योर माल मिलता है, इतना अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं। पूरा जो बल्लभ वेदांत है वो इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। जो आएगा ना अभी जून में, जय रण छोड़ माखन चोर वाली बात आ जाएगी, सब इसी कॉन्सेप्ट पर है पूरा। मैं ये बताऊँ आपकी उस मुक्ति की कल्पना और जैन की मुक्ति की कल्पना का फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। वो सदैव मानते हैं और आपके हमारे यहाँ पर किसको माना गया है, देह। अब निर्णय करना है, अगर हमने कुनकुन आचार्य देव की जय बोली, नमो सिद्धार्थ बोला, गुरुदेव श्री का मान किया और उसके बावजूद भी सुख के नाम पर इंद्रिय सुख वही दिखा, तो शरीर का सुख वही दिखा, तो फिर हमारी मोक्ष की बात करना और मुमुक्षु होना बेईमानी नहीं होगी। अरे जब तुम्हें आत्मा में सुख लग ही नहीं रहा तो मोक्ष जाके करोगे क्या, दुखी हो जाओगे हैं? क्योंकि जो जो सुख के तुम कारण मानते हो ना, तो हापुस कैरी का रस मिलेगा, ना एसी मिलेगा बराबर, ना घूमने फिरने को मिलेगा, ना मौज मस्ती मिलेगी, एक जगह जाके पड़े रहोगे, खाएगा सुख, दुखी हो जाओगे। इसीलिए जानने के पहले सोच रहे ना, फिर मत कहना कि देखो आपके चक्कर में मुख चले तो गए लेकिन मजा नहीं आ रहा है। पहली बात ऐसे तो जाने वाले जाते ही नहीं है, पापा ने बगी जो थोड़ी छे तो मारा पास ऊपर तमें जता रहा हूं। लेकिन निर्णय अभी करना, ये दुख और दुख फल में बहुत गहरी बात छिपी हुई भाई साहब, कि जो आज आपको अभी के अभी निर्णय करना है। मैं तो ये कहता हूं इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा फिर आपको, कि जो आगामी काल में दुख का कारण है वो आज भी दुखमय है, और जो आगामी काल में सुख का कारण है वो आज भी सुखमय है, और जो आगामी काल में दुख देता हो वो आज भले ही सुखमय लगता हो लेकिन एक ऐसा दुखमय, जैसे पांच इंद्री के विषय, धन वैभव भोग विलास कषाय ईर्ष्या विषय भोग, जो भी आप करते हो, जिनको हम पहले कुत्ते के दृष्टांत से, मित्रों के दृष्टांत से, दुनिया भर के दृष्टांत से सिद्ध करके आए, बराबर आभासी, कैसा आभासी, कोई मूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं, ऐसी। और जो दुख रूप आज आपको लग रहा है, लगता है इतनी गर्मी में आके बैठे हो, पंडित जी एसी भी नहीं चलाने देते, अब कदाचित दुख भी लग सकता है, दुख भी लग सकता है, लेकिन वो है किसका कारण, परंपरा से आपकी कषाय की मंदता, ज्ञान की पवित्रता, उपयोग की एकाग्रता, आत्मनिष्ठता, आत्मनिकटता, इन सब का कारण है। तो वो क्या है, धीरे धीरे तो आज आपको भले दुख रूप लगे लेकिन वो सुख का कारण, इसीलिए वो सुखमय। पॉइंट समझ में आया, कभी भी आप बुद्धिमान हो, सबसे कहते सबसे बड़ी फॉरसाइट किसकी होती है, बनिए की होती है,
काम करते पहला उसका परिणाम का अंदाजा हो जाता है किसे, वणिक को। पूरा पूरा समाज, पूरा देश इस बात को कहता है कि सबसे बड़ी फोरसाइट किसकी होती है, बनियों की होती है। बराबर, तो 10-20 साल की विचारने में बड़प्पन नहीं है, भाव के अभाव विचार करने में बड़प्पन है। 10-20 साल का विचारने वाला तो कंजूस बनिया, बराबर, और भाव के अभाव करने वाला महाजन। हम बनिए नहीं है, हम कौन है, महाजन। समझ में आया, महाजन है, महान महत्ता है, और महत्ता किस में है, महत संसार को अल्प करने में महत्ता है, अल्प संसार को महान करने में महत्ता है कि धिक्ता, धिक्कार। पर इन दो लाइनों में आपकी मुक्ति और संसार की पूरी पैरामीटर खुल जाएगा, कोई ज्यादा लंबी गणित की जरूरत ही नहीं। दुख रूप, मेरे किसी ने एक भाई ने मेरे से पूछा, बिल्कुल अनजाना व्यक्ति, उसने भी सम्यक दर्शन की, आपकी दृष्टि में क्या परिभाषा है। तो मैंने बहुत विचार करके मात्र दो लाइन बोली थी कि जब आपको सुख और सुख के कारण और दुख के कारण का ठीक ठीक निर्णय हो जाता है, वो सम्यक दर्शन। क्या बोला, सुख और सुख के कारण और दुख के कारण आपको पता चल गया, राग द्वेष मोह आशावादी भाव, ये दुखमय है, दुख के कारण है, उनको छोड़ना है। संबंध निजरा मोक्ष सुखमय है, सुख का कारण उनको धारण करना है। जैसे दुख के कारणों को हम दूर करते हैं, सुख के कारणों को लाते हैं, ऐसे दुख के कारणों को दूर करते जाओ, ज्ञान ध्यान वैराग्य बढ़ाते जाओ। ये आपको दिखना चाहिए, जैसे गड्ढा होता है, दिखता है तो गिरने से बच जाते हो। गर्मी में कहीं कुर्सी लगी हो, ठंडा पानी लगाओ, पेड़ की छांव में बैठ जाते हो, ऐसी दिखेगा तो बैठोगे ना। आपको सुख और दुख दिखेगा ही नहीं, इसमें ही अगर गोते खाओगे, दुख सुख रूप लगेगा, सुख दुख रूप लगेगा, तो कहाँ जाओगे, मृग तृष्णा में आ जाओगे। मृग तृष्णा नहीं होती, पानी है नहीं, पानी लग रहा है, भागे जा रहा है। पानी होवे और पानी के पास जाए तो प्यास बुझ जाए, अब पानी है नहीं, भागे जा रहा है, कैसे प्यास बुझेगी। आग लगी हो लेकिन बेसुध सोया हुआ हो, मर जाएगा। जैसा नहीं होता पहले कोरोना के टाइम में, कितने हॉस्पिटल में वो लग गई थी, बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, क्या तो क्षमता नहीं या होश नहीं, जल जाएंगे। दो कारण हुए ना कोरोना के टाइम पे, जब कई हॉस्पिटल में आग लग जाती है, आईसीयू में। अब दो टाइप के मरीज थे वहां पे, दोनों जले, कौन कौन से, क्षमताहीन भी जले और होशहीन भी जले। जो देख रहे कि आग लग रही है लेकिन चलने की ताकत ही नहीं, भुन गए वहीं के वहीं, तंदूर बन गए। और जो बेहोश पड़े थे उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता था, वो भी नहीं। हम भी ऐसे, कुछ लोग बेहोश हैं, पता ही नहीं है कि संसार की अग्नि जलाने वाली है, भूल जाएंगे। कुछ लोगों को होश है लेकिन ताकत नहीं है दूर हटने की, वो भी बोलो। हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, होशहीन की क्षमताहीन। परिणाम नहीं बदलेगा, जलना दोनों में पड़ेगा, ध्यान रखना।